हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल फ्रेंकी बहुत ही आसान तरीके से और झटपट ये रेसिपी बन जाती है। तो चलिए परफेक्ट वेजिटेबल फ्रेंकी बनाना शुरू करेंगे। वेजिटेबल फ्रेंकी बनाने के लिए सबसे पहले हम गूंदेंगे आटा। तो आटा लगाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक कटोरी गेहूं का आटा, जो हम चपाती के लिए यूज़ करते हैं उतना ही हमें लेना है मैदा। हमें दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है। उसके बाद अभी हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच जितना मैंने नमक ऐड किया है। अभी हम ऐड करेंगे तेल, मोयन डालेंगे, करीब एक बड़ा चम्मच जितना मैंने तेल डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके अभी हमें आटा गूंदना है। रोटी जैसा आटा हमें गूंदना है, बहुत टाइट नहीं करना है और बहुत गीला भी नहीं करना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आटा अच्छे से गूंद के तैयार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और अच्छे से आटे को लगा लीजिए। तो आटा अच्छे से मसल मसल के गूंदिए। तो आटा हमारा लग के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से आटा लग गया है। तो ये अच्छे से लग गया है, तो अभी हम उसको थोड़ी देर के लिए सेट करके रखेंगे ताकि ये थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ा सा तेल डालेंगे और अच्छे से तेल को लगा के उसको एक बार ही मसल लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट आटा लग गया है, तो अभी हम उसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट। तब तक हम दूसरा मसाले का रेडी करेंगे। तो इसको मैं अभी साइड पे रखूँगी और अभी हम फ्रेंकी का थोड़ा सा चटपटा पिकल बनाएंगे, यानी कि मिर्ची सिरके वाली। तो मैंने दो कटे हुए हरी मिर्च लिए हैं, ऐसे बारीक बारीक कट किए हैं स्लाइसेस में। उसके अंदर हमें डालना है विनेगर। तो दो बड़े चम्मच मिर्च डाला है, तो विनेगर डालेंगे करीब दो बड़े चम्मच। तो उससे क्या होगा कि टेस्ट बहुत ही फ्रेंकी का बढ़िया आएगा। तो ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, फ्रेंकी हमारा चटपटा लगेगा। उसके अंदर अभी मैं ऐड कर दूंगी विनेगर, दो बड़े चम्मच विनेगर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो नींबू का जूस ऐड कर सकते हैं। तो दो बड़े चम्मच विनेगर को मैंने ऐड कर दिया है। चुटकी भर नमक डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला के साइड पे रख देंगे। इसको भी आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। जब तक हम फ्रेंकी बना लेंगे तब तक ये भी रेडी हो जाएगा। इसको मैं अभी साइड पे रख दूंगी। अभी हम बनाएंगे फ्रेंकी का मसाला, यानी कि पेटिस बनाना है आलू की। तो मैंने चार मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं बॉईल किए हुए, उसको मैं मैश कर दूंगी। अच्छे से मैशर से मैश करना है। आलू बॉईल होके ठंडा होने के बाद ही हमें मैश करना है ताकि ये बहुत ही गीला ना हो जाए। ये मैश होके रेडी है तो मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैन को गर्म करेंगे। पैन जैसे ही गर्म हो जाए उसके अंदर डालना है दो बड़े चम्मच तेल, और तेल को अभी हम गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके बाद हम ऐड करेंगे, तो अभी हमें ऐड करना है थोड़ा सा जीरा। तो मैंने जीरा लिया है आधा चम्मच जितना मैंने जीरा ऐड कर दिया है। जीरा हो जाए उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट, एक बड़ा चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है एक बड़ा चम्मच। अच्छे से थौते कर लेंगे, ये अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद हमें डाल देना है आलू, जो बॉईल करके मैश करके रखा है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच तीखा, आपको जितना पसंद है आप उतना डालिए, आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। उसके बाद अभी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट नमक डालेंगे। बॉईल करते समय नमक डाला था इसलिए थोड़ा कम डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। मैंने आधा चम्मच डाला है। अभी हम डालेंगे एक चम्मच चाट मसाला, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो फ्रेंकी मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स होने के बाद अच्छे से ये भून के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो लास्ट में अभी हमें उसके ऊपर धनिया पत्ता छिड़क देना है। तो अभी हम उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रखेंगे। तो लास्ट में मैं धनिया पत्ता डाल के एक बार ही मिक्स करूँगी और अच्छे से उसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम उसकी पेटिस बनाएंगे। तो अभी हम उसको साइड पर रख देंगे मिक्स होके, और अभी हम फ्रेंकी की चपाती बना लेंगे जब तक कि ये ठंडा हो जाए। तो फ्रेंकी की चपाती बनाने के लिए आटा अच्छे से लग के रेडी हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, जैसे कि रोटी बनाते थोड़ी साइज़ में बड़ी बनाएंगे।
ताकि हमारी फ्रेंकी रोल अच्छे से बने। तो मैं ये अच्छे से स्मूद हो गया है, आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गया है। तो आप इक्वल पार्ट में पेड़े बड़े बड़े बना लीजिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके के सारे पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अभी हम चपाती को बेल के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से तय कर लेंगे, उसको गोल गोल कर लेंगे। तो अभी हम उसका रोटी बना लेंगे। तो डस्ट करने के लिए मैंने आटा ले लिया है और अच्छे से उसको बड़ा बड़ा और पतला बेलना है। ध्यान रखें कि थोड़ा पतला ही रखें और अच्छे से मोटा मोटा बेलना है, यानी कि रोटी हमारी मोटी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से बन गई है। तो चलिए अभी हम उसको सेक लेते हैं। तो पैन को गर्म करें, हमें इसको कच्चा पक्का ही सेकना है, ध्यान इस बात का रखना है। तो इसको डालना है, हल्का सा सेकना है, ज़्यादा उसको नहीं सेकना है, नहीं तो हमारी फ्रेंकी सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो आप देखेंगे कि हल्की सी उसके ऊपर छींटे आने लगे, हमें उसको पलटा लेना है। तो इसी तरीके से सारी रोटियों को सेक लेना है, साथ में ही बेलते जाना है और सेक लेना है। ये हल्का हल्का छींटे आने लगे हैं, दूसरी साइड भी मैंने उसी तरीके से सेक के रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये रोटी सेक गई है दोनों तरफ से। अगर आपको लग रही है कि हल्की कच्ची है तो आप दोनों तरफ से सेक लीजिए। तो ये सेक गई है तो मैं उसको निकाल लूँगी और सेम तरीके से सारी रोटियों को सेक लूँगी। ध्यान रखें कि रोटी हमारी जब गर्म हो तो हम उसको एक कपड़े में रखें ताकि ये सॉफ्ट ही रहे। और सारी रोटियों को एक कपड़े में रखना है ताकि सॉफ्ट रहे, या फिर आप कैसरोल में भी रख सकते हैं। तो ये रोटी को मैं निकाल लूँगी ऐसे कोई कपड़े में अच्छे से, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट रहे। तो सारी रोटी सेक जाने के बाद अभी हम पेटीज को बना लेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है आलू का, तो अभी हमें लंबा लंबा कटलेस, लंबा लंबा स्टिक जैसा बनाना है, जैसे कि सिलेंडर शेप में। आप अपने मनपसंद के शेप से बना सकते हैं, मैंने इस तरीके का बनाया है। थोड़ा सा मोटा रखेंगे और बहुत पतला नहीं करेंगे, जैसे कि आपको पेटीज पसंद हो उस तरीके से करके रेडी कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि मैंने ये पेटीज बना के रख लिया है। सेम तरीके से सारी पेटीज को बना लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके के सिलेंडर शेप में बनाना है। सारी पेटीज बन के बाद जो ये एक तवे को गर्म करेंगे, उसके अंदर अभी हमें डालना है बटर, आधा चम्मच बटर डाला है। उसके साथ हमें थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे साथ में ही, थोड़ा सा अच्छे से गर्म करेंगे और उसको अभी अच्छे से फैला लेंगे ताकि हमारा जो हम पेटीज सेकेंगे ताकि अच्छे से वो सेके। तो अभी हम एक एक करके पेटीज को इसके ऊपर डाल देंगे, एक बार फैला लेंगे। और अभी हमें जो पेटीज बना के रखी है उसको सेक लेना है। तुरंत एक बार रखने के बाद उसको तुरंत टच नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। एकदम आराम से हमें उसको सेकना है। गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रखा है। जितनी प्लेट में जितनी तवे पे आए उतनी आप सेक लीजिए। अभी हम थोड़ी देर के बाद उसको सेक जाए तो पलटा लेंगे। थोड़ी देर में ये सेक के रेडी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से हमारी जो ये फ्रेंकी है वो बन के तैयार हो जाती है। तो आप देखेंगे कि पेटीज भी अच्छे से सेक के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं नीचे से भी अच्छे से सेकना चालू हो गई है, हल्की क्रिस्पी आने लगे, तब हम उसको पलटा लेंगे। तो सारी हमारी आलू पेटीज अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा अभी हम फ्रेंकी को निकाल के अभी फ्रेंकी को असेंबल करेंगे और फ्रेंकी रोल बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंकी रोल, फ्रेंकी की पेटीज तो रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से बन गई है, सीक गई है अच्छे से। वही तवे पे अभी हम फिर से बटर लगाएंगे और वही चपाती जो हमने कच्ची पक्की सेकी थी वो ऐड करना है। उसके ऊपर अभी हम डालेंगे बटर ताकि टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। तो बटर डाल देंगे और अच्छे से उसको फैला के दोनों साइड से अच्छे से रोटी को सेक लेंगे ताकि हल्का सा ब्राउन कलर आए, तब तक हमें रोटी को सेक लेना है। दोनों साइड से रोटी को सेक के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों साइड से रोटी अच्छे से सेक गई है। सेम तरीके से जब आपको फ्रेंकी बनानी हो तब आपको सेक लेनी है। तो दोनों साइड से रोटी को सेक के तैयार करने के बाद अभी हम एक प्लेट में ले लेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से ये रोटी बन गई है। तो चलिए अभी हम फ्रेंकी को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ग्रीन चटनी, जो रेगुलर हम सैंडविच की जो चटनी बनाते हैं वही लगाना है, स्प्रेड करना है। तो अभी हम उसको साइड पे उसको लगाएंगे। तीखा आपको जितना पसंद है आप उसके हिसाब से लगा लीजिए। तो मैंने ये साइड पे रखी है, जहाँ पे हम पेटीज रखेंगे उसकी किनारी पे मैंने ये ग्रीन चटनी लगाई है। अभी हम लगाएंगे टोमेटो केचप। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ऊपर से डाल के भी खा सकते हैं, अंदर नहीं पसंद, लेकिन थोड़ा उसका टेस्ट चटपटा आएगा, इसलिए मैंने ये रखा है।
तो अभी हम एक पेटीज़ को इसके ऊपर रख देंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमने पेटीज़ बनाया है वो मैंने साइड पे रख दिया है। अभी हमने जो सिरके वाले हरे मिर्च बना के रखे थे वो अच्छे से पक गए हैं, यानी कि अच्छे से ये ट्रांसफ़र हो गए, तो वो मैंने थोड़े डाले हैं। अभी मैंने कैबेज, ऑनियन और मैंने थोड़े से कैबेज डालेंगे। वेजिटेबल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, आप अपने मनपसंद के वेजिटेबल दे सकते हैं। तो मैंने कैबेज और ऑनियन प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में कट करके रखा था, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। तो ये देखेंगे आप बहुत ही अच्छे से हो गया है। अभी लास्ट में चाट मसाला डाल लेंगे, आप चाहे तो फ्रेंकी मसाला डाल सकते हैं और लास्ट में थोड़ा सा चीज़ भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अभी हम अच्छे से उसका एक टाइट रोल बना लेंगे, तो बहुत ही अच्छे से उसको रोल कर लीजिए और एकदम टाइट कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि एकदम अच्छे से ये रोल बन के तैयार हो गया है। तो ये हमारी फ्रेंकी रोल बन के तैयार है, आप देख सकते बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। अगर चीज़ खाना है तो आप उसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं। तो अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी नई नई रेसिपी के लिए गुजराती किचन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।